बात है बबलू, का इन्हें मंझान बैठे ली जंगल बटे आके? नया नया शादी होलो तो खेल कूद करना चाहिए बाप। का कर भी चाचा बैठ बैठे थे यहाँ बैठ। हाँ बता बता, तने तोरो कहानी सुनियो। का बात है? हमार बापा जाने ने पैसा के चक्कर ने हमरा फंसाया। हाँ हाँ, कैसे का होले? अरे तो इतना करिया है, हमार जनियार मोट है, अरे तो एकदम हमरे ऊपर आग चढ़ल रहा है एकदम दिन भर। लड़ाई उड़ाई भी करो का? लड़ाई उड़ाई भी करत रहा है, कैसे ऊपर से छुटकारा पाई हमरा कुछ समझे में ना आ रहा। 2-3 लाख देख के डिवोर्स वो सोतस करवाए दे हमर। क्या क्या बोला तूने? अरे बाबू, आजकल डिवोर्स हुआ है, सरकार इतना नियम बनैले है कि नियम में छुटकारा ना मिलता, जान ली। कैसे चाचा? ऐसे कि अभी जब जेबी ने बोल भी हम ना रखबो तो बोलते हमार जितना खर्चा होलो दे, तो कुछ भी कितना खर्चा है, तो शादी में कतो बाराती के 5 लाख ही लियो बाबू, सर सामान दे लियो 10 लाख के, आवन जावन में 5 लाख मिला के 20-30 लाख जोड़ दे तो बाबू। कैसे करिए चाचा, तो है कोई उपाय बताओ, हमें कुछ समझ में ना आवे, दिमाग पर भ्रष्ट हो गया। क्या बात है, मतलब लड़कियां पसंद उसंद ना है, और कैसे ऐसा शादी हो गई? अरे का कर भी, हमारे पापा तो साला ऐसी लालची है, ये हमारा गरीब घर के लड़की पसंद आ रहा, और दिखे में भी खूबसूरत होला, पढ़े में भी एकदम पूरा एक नंबर आ रहा, लेकिन हमारे पापा पैसा के चलते हमारा फंसा दे, साला इतना लालची है कि अपन बेटे को बेच दे। वाह, का कर भी, अब कोई उपाय बता हमारा, तो ऐसा बुझा रहा को कोई कुएं में जाकर झाँप दे दिए एकदम, हमें एकदम पूरा मन लगे एकदम, बुझा तो नहीं कहाँ जाइए। न बाबू इतना चिंता ना कर, हम ही नहीं हो ने बापा ना सोच का होने का हुआ जी, का है परेशान है? आइए बैठिए बैठिए, इनका थोड़ा समस्या है बोले थे, इतना परेशान ना पापा, तो का कर भी, हम इनके चिंता हो तो हमारे पापा हमारा बच देना। अरे तो उसमें घबराने का परेशानी है? परेशानी कर रहे है कि जहाँ बबलू की लड़की पसंद है ने, हाँ। वो एक बाबूजी शादी ना कर दिया, इसका कर दिया अपना पसंद से पैसा के चक्कर में। अब लड़कियां है तनी मोट और करिया, अभी इतना सुंदर लड़का है, इतना कांधे के नियर बुझा के बोले थे कि हम कुछ कर ले भाई। से लेकर यही तो है, आजकल आदमी जो है ना लालच के चक्कर में अपना बेटा को दांव में लगा देता है। हाँ तो का करना का है, उसमें का परेशानी है? पढ़ल लिखल है? हाँ पढ़ल लिखल तो है, तो उसका रास्ता निकालते हैं कुछ? वैसे तुम इतना परेशान कहा है, छोड़ो हटाओ साला, आजकल तो ये सब होते रहता है। तो बाबू 2-4 लाख रुपया खर्चा करे की जरूरत ना है बबलू, हम जो बता दिलियो 2-4 लाख में छूटे वाला ना, 20-30 लाख जोड़ देते है ने। हाँ एकर मेन उपाय है कि लड़कियां पढ़ल लिखल तो हो? हाँ पढ़ल लिखल है, लेकिन ज्यादा ना पढ़ल लिखल है, ओकर में 1.5-2 लाख रुपया खर्चा लगत। हाँ ओकरा पढ़ाए देवे, एकर जानकार में एक दो जगह हथिन है, बढ़िया बढ़िया कोचिंग है उससे है। जो है ना उसमें पढ़ाई होने के बाद वहाँ से नौकरी फिक्स है, एकदम लगना ही है पूरा फिक्स। हाँ नौकरी लग जाएगा, तो नौकरी लग जाएगा फिर का हो बताते हैं, वहाँ जब बन जाएगा तो DM बनेगा चाहे SDM बनेगा, और DM SDM बनने के बाद वो अपने है से घर छोड़ के चला जाएगा। कैसे अपने घर? अरे अभी नहीं, इधर यूपी में बिहार में कहाँ कहाँ सब एगो ये वाला सुना था ना कहानी, समाचार मोबाइल उबाइल में नहीं देखता है? हाँ सुने तो थे, तो वही कहानी करना है, सब का रास्ता निकलता है, समझ गया ना, चिंता होने से कुछ नहीं मिलेगा, सबका रास्ता ढूंढना पड़ता है, बस थोड़ा सा खर्चा है, थोड़ा टाइम लगेगा, अपने आप छुटकारा मिल जाएगा, फिर उसको भागाने का या लफड़ा लेने का कोई जरूरत नहीं है, समझ गया ना, उसका जब पढ़ाई लिखाई होगा उसके बाद नौकरी लग जाएगा, नौकरी लगेगा तो अपने किसी के साथ भाग जाएगी, तुम आज़ाद हो जाएगा, ना तुमको कोई बदनाम करेगा ना वो तेरा घर का बदनामी होगा, फिर तुमको जो लड़की पसंद है उसके साथ शादी करके अपना बढ़िया से जिंदगी बिताना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, पैसा ज्यादा खर्चा नहीं होगा उसमें,
अच्छा चाचा, ये सब दिल्ली बिहार यूपी बम्बई में हुआ है, यहाँ गांव घर झारखंड में कहाँ तो ऐसा सुन रहे तो। अच्छा तो झारखंड में ना होले तो झारखंडो ये लिस्ट में आ जीते, का दिक्कत है? है और परीक्षा लग कने हुआ है, कने हुआ है हो परीक्षा? अरे वो सब यूपी बिहार दिल्ली में उसका एग्जाम होगा। हाँ तो झारखंड में नहीं हुआ है तो कहीं पहले जान रहा था का यूपी में होने वाला है सो? कोई जान रहा था? नहीं जान रहा था। वो बेचारा झाड़ू मार मार के पढ़ाया लिखाया, उसको अपना खर्चा किया और छोड़ के भाग गई। तो तुमको तो छोड़ना है तो झारखंड में हुआ है कि नहीं, हम लोग का भी एगो लिस्ट में नाम आ जाएगा तो का दिक्कत है? कौन तेरा घर कहने आ रहा है? और तुम नहीं छोड़ेगा जी है? वो अपने छोड़ के भाग जाएगी, नौकरियाँ जब लग जाएगा ना तो अपने छोड़ के भाग जाएगी। इसमें यूपी बिहार सब कर सकता है तो हम लोग में काहे नहीं होगा, सब हो जाएगा चलेगा। तो उतना सोचे की जरूरत ना है, जहाँ मतलब जैतो ना जहाँ घूमे को कोशिश करते हो जे लड़का से एकदम छोड़िए ना अपन पसंद से है ना। हाँ। अपने धीरे धीरे लटपट हो के वो निकल जाएगी। तो अभी तो बोल रहा था 4-5 लाख रुपया हम छुटकारा पाने के लिए दे देंगे, अरे यहाँ तो कमे में हो जाएगा, कोचिंगवा में खाली नाम लिखा दो। कहाँ कोचिंग है ना? कोचिंग है, स्टेशन जगह है, ब्लॉक जगह है, अरे बढ़िया बढ़िया कोचिंग है। वो 100% देता है गारंटी जॉब का, वो जॉब लगेगा वहाँ से। लाल कार्ड राशन कार्ड वाला है उपाय? उपाय पूछो। लाल कार्ड राशन कार्ड यहाँ SDM DM का है तो लाल कार्ड राशन कार्ड का करेगा उसको? नहीं फीसवा कुछ माफ होए के उपाय है? राशन कार्ड अभी 5 लाख रुपया दे रहा था, अभी कम वाला उपाय बता दिए तो तुम लोग जो है सो सस्ता वाला खोज रहा है। तो जाओ तब सरकारी फंड में करो, हमको मतलब नहीं है। नहीं तुम लोग का गाँव घर का बात है और जान पहचान है इसीलिए बता दे रहे हैं कम का उपाय। अब तुम लोग जो है 4-5 लाख अभी देने को तैयार था, अभी यहाँ 1-1.5 लाख में हो रहा है तो उसमें अब खोज रहा है लाल कार्ड राशन कार्ड। तो जाओ लाल कार्ड और राशन कार्ड वाला करवा लो। नहीं नहीं हो करा दी पूरा एकदम गारंटी साथ हम। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, गारंटी है उसमें होता है, गारंटी है बाबू, गारंटी है। यह सब काम में कराते तो यह सब काम में है, कहकर सेल बोल रही है। पैसा लगता तो लगता मगर काम एकदम 110%, अगर में कोनो चिंता की बात ना है। तो 2 लाख रुपया पूरा फिक्स लगता है ना, ओकर बाद जो है तोर दुल्हनिया वो दूसर साथ अपने निकल ली। तो दिमाग को फ्री रखो तब आगे दिमाग काम करेगा। दिमाग में लोड दोगे तो दिमाग दब जाएगा, फिर काम करना छोड़ देगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना चाहिए। कहाँ भेज रहा है? तो पढ़ने के लिए भेज रहा है, पढ़ा लिखा है घर में रखेंगे का? हाँ ऐसे ही जिंदगी गुजारे। बड़ा घर के बेटी है तो पढ़ के कुछ बनेगी की का? हम इनके तो पढ़ाए नहीं, ऐसे बोल के घर में बात बदल देना है ना। ठीक, ये वाला मतलब नए मन छोटा ना करना हो है ना? अब मन छोटा मन गदगद रखना हम ही नहीं हो ना है ना। सारे उतना सब पैसा अभी 4-5 लाख कहाँ से लाता है? वही से उससे कम में हो जा रहा है और बढ़िया से अपना। तुमको कोई परेशान नहीं करेगा, ना उसका घर वाला ना तेरा घर वाला। तुम फिर टाइट होके बोल सकता है कि साला हम पढ़ाने में खर्चा किया और हमको छोड़ के भाग गई, हम अब ऐसा इसको नहीं रखेंगे। समझ गया, ओकर से कुछ पैसे वो ले लेबे और फिर शादी करिए अपन पसंद की लड़की से। मिल जाएगा कुछ नहीं, और जो गरीब घर के लड़की पसंद है उसी को शादी करो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, उससे चैन सुकून सब मिलेगा। समझ गया ना, पैसा वाला आदमी जो है ना गरीब आदमी वैल्यू नहीं देता है, नहीं देता है। हाँ। इसीलिए अपना बाप को बोल देना कि इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, पढ़ाना है। ठीक ठीक चलिए।